सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी व्लॉग। गाइज एक बार फिर हाजिर हुआ सभी लोगों की हैवी डिमांड पर फार्म हाउसेस का वीडियो लेकर। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक नई लोकेशन पर फार्म हाउस का ऑप्शन, जो कि एक फार्म हाउस लैंड के ऑप्शंस में आपको दिखाने वाला हूं। गाइज अभी हम खड़े हुए हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पे, और यहां पर आपको पहली एक ऐसी साइट में आपके लिए लेके आया हूं जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। अभी तक सभी लोग प्लॉट्स के ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, पहली ये साइट होने वाली है जो कि आपकी फार्म हाउस की साइट में आपके लिए लेके आया हूं। सो मेरे फार्म हाउस वाले व्यूअर्स के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आगे चल के मैं यहाँ के जो सीनियर सेल्स मैनेजर हैं उनसे मैं जानने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स, साथ ही साथ आपको इस लोकेशन की USPs भी बताऊँगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या पेमेंट प्लान है, किस तरीके का फार्म हाउस लैंड यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ पर इस जगह पर आपको प्लॉट्स के भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जिनकी फार्म हाउस के बजट नहीं है तो वो यहाँ पर प्लॉट के ऑप्शन भी सेम कम्युनिटी में आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और चलते हैं यहाँ पर क्लब हाउस में, देखते हैं किस तरीके से ये वीडियो रहने वाली है। सो गाइस सर हमारे साथ हैं जो कि द लेक कंट्री साइड फार्म से हैं। सर हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिए और थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू दे दीजिए। श्योर। हाय, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, और जैसे कि हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, जैसा मेरा प्रोजेक्ट का नाम है द लेक कंट्री साइड फार्म्स। ये टोटल 150 एकड़स की एक अपनी गेटेड कम्युनिटी है, जिसके अंदर में हमारे पास में रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 100 और 200 गज के, अलायदा इन सब चीज़ों के। इसके अंदर में हमारे पास फार्म हाउसेज हैं 1000 गज, 2000 गज और उसके मल्टीपल्स के अंदर में। सो सर मैं जैसे कि हम मेनली ये वीडियो जो बना रहे हैं फार्म हाउस को फोकस करके बना रहे हैं, और जो मेरे फार्म हाउस वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बिल्कुल नई लोकेशन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नोएडा में तो हम बहुत सारे फार्म हाउस पहले से सेल करते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये जो लोकेशन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की लोकेशन है, तो इस लोकेशन की क्या USPs हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। डेफिनेटली देखिए, लोकेशंस की यदि मैं बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, तो हम लोग जो जिस जगह पे खड़े हैं इट इज ओनली 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द यमुना एक्सप्रेसवे। ओके। दूसरा पलवल यहाँ से इस लोकेशन से 30 किलोमीटर है, अलीगढ़ आपका देखा जाए तो ओनली 40 किलोमीटर है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आज के डेट में आने वाला है, जिसको हम बोल रहे हैं कि सितंबर 2024 में उसका फर्स्ट लॉन्च फेज लॉन्च होएगा, उसकी यदि हम बात करें तो इट इज ओनली 12 किलोमीटर, वो सिर्फ 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे है। तो USP यदि मैं प्रोजेक्ट की अपनी बात करूँ, तो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर में लगभग 450 से 500 फार्म हाउसेज इसके अंदर में रहेंगे, जिसको कि आप मान सकते हैं कि कंपेयर करें तो छतरपुर फार्म हाउस के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो दिल्ली में बेसिकली जो दिल्ली में छतरपुर प्लेस है जहाँ पर फार्म हाउस की आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फार्म हाउस, अच्छे अच्छे लग्जरी फार्म हाउस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ उसी तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पर फार्म हाउसेज डिज़ाइन किए जाएंगे, और साथ ही साथ ये बहुत ही ओपन लोकेशन है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और इस आसपास के विसिनिटी में किसी ने भी, बहुत सारे लोग प्लॉट्स ला रहे हैं, लेकिन फार्म हाउस की ये पहली साइड होने वाली है जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, और शायद ये वीडियो भी आप पहली बार देख रहे होंगे इस साइड का, क्योंकि किसी ने अभी तक कवर नहीं किया है। हमारे चैनल पर आपको ये पहली बार वीडियो देखने को मिल रही होगी। सर अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा यहाँ पर किस तरीके के साइजेस रहने वाले हैं और उनकी USPs थोड़ा सा बताइए, अमेनिटीज़ क्या है यहाँ पर वो बताइए थोड़ा सा। ठीक बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें ज़रूर जानना चाहिए कि हम किस जगह पे अपना पैसा किस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। जी। तो यदि मैं प्रोजेक्ट की विदिन द फीचर्स की बात करूँ, तो इसमें ना एक हम लोग आर्टिफिशियल लेक डेवलप कर रहे हैं सबसे पहले, जो कि इसकी थीम रहेगी प्रोजेक्ट की। उस आर्टिफिशियल लेक के अंदर में हम एक ब्रिज बनाएंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट को सेग्रीगेट करेगा। ब्रिज से पहले जितना पोर्शन होगा लेक से पहले, वो सारा आवासीय प्लॉट्स का रहेगा। ओके। और उसके बाद वाला जितना होगा सारे फार्म हाउसेज रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, ये रेजिडेंशियल प्लॉट होल्डर्स के लिए हमने रिक्रिएशन पार्क बनाया हुआ है बेसिकली। ओके। जिसके अंदर ऑलरेडी ओपन जिम, झूले वगैरह हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं सारी चीजें। तो डेवलपमेंट रेगुलरली चल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए सभी लोग जो भी एग्रीकल्चर लैंड ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि फार्म हाउसेस हमेशा एग्रीकल्चर लैंड पे होते हैं, सो उसके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं, और मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। यहाँ पर जो इंटरनल रोड्स हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, और या और कुछ फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट अभी तक हो चुके हैं और क्या होने हैं? डेफिनेटली इसके अंदर यदि मैं बताऊँ, जितने हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ऑलरेडी हमारे कन्वर्टेड है फ्रॉम द सेक्शन 80 जिसको हम बोलते हैं, प्लस में उसके अंदर जो रोड साइजेस हैं वो 40 फुट 30 फुट के रोड साइजेस हैं। सीवर के ऑलरेडी कनेक्शंस हो चुके हैं, बिजली अप्लाइड है, और आप ये मान करके चलो विद इन फ्यू डेज बिजली के कनेक्शन भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं नगर पंचायत के अंदर में आपकी लोकेशन। तो सर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट से बिजली मिलेगी? डेफिनेटली यहाँ से गवर्नमेंट से बिजली मिलेगी आपको। तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब पहली बार किसी फार्म हाउस लैंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट से बिजली प्रोवाइड की जा रही है, सो लीगैलिटी का तो कोई इशू ही नहीं है। सो जैसे पेपर वर्क है और कन्वर्जन होता है लैंड का, तो वो सारा चीजें हो चुकी है यहाँ पर? कुछ हो चुके हैं, मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा
कि अप्लाइड है, हर चीज का आ चुका है, जिसका नोटिफिकेशन में वी हैव द थिंग्स, उसको आप आकर के हमारे ऑफिस में जब मर्जी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो डेफिनेटली सर, सर मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पर मिनिमम जो साइज रहता है फार्म हाउसेस का, वो क्या साइज रहने वाला है? वो 1000 गज का मेरा रहेगा, जिसकी डायमेंशन आपकी रहेगी 60x150 फुट की। ओके, प्लस में फार्म हाउसेस के अंदर मैं स्पेशली 1.25 एकड़ के अंदर में क्लब हाउस भी बना रहा हूँ। सो फार्म हाउसेस के अंदर 1.25 एकड़ का क्लब हाउस भी यहाँ पर आप बना कर दे रहे हैं, जिसका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट रहने वाला है? नहीं, उसका वन टाइम हमारा चार्ज होता है क्लब मेंबरशिप का, वो सिर्फ 1 लाख रुपए मात्र, अलायदा उन सब चीजों के। उसके अंदर में चिप एंड पट गोल्फ कोर्स आपका रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, रेस्टोरेंट एरियाज रहेगा, वो एक तरीके से लग्जरी रहेगी एक तरीके। सो बेसिकली वो कॉमन यूज एरिया रहता है क्लब हाउस जो रहता है। और उसके अलावा सर मैं ये जानना चाहता हूँ जो फार्म हाउसेज होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि फार्म हाउस के अंदर एक कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स होते हैं कि आप जैसे हम 1000 गज लेते हैं नोएडा के अंदर, तो वहां पर सिर्फ 10% एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्या सेम चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल है या फिर कुछ डिफरेंट है? डेफिनेटली आपने पूछा है, एक्चुअली नोएडा वाले जो है वो फ्लड जोन के अंदर आते हैं, जितने फार्म हाउसेज है पुश्ते के साथ में जो लगते हैं, वहाँ पे कभी पक्की लाइट नहीं आ सकती, आपकी बिजली कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कभी नहीं आते हैं बेसिकली। इस वजह से उस जगह पे क्या बोला जाता है कि आप 7-8% की कच्ची कंस्ट्रक्शन कीजिए, लेकिन मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप फार्म हाउसेज पक्की दीवारें बना सकते हैं, 30% पक्की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लेंटर भी डाल सकते हैं? बिल्कुल जी। सो इसमें कोई इशू नहीं है गाइज, यहाँ पर आप जैसे आप घर बनाते हैं अपना, तो ये प्रॉपर उसी तरीके से आप इस लैंड को यूज कर सकते हैं, फार्म हाउस का थीम दे सकते हैं। सो बेसिकली आपको कुछ ओपन एरिया छोड़ना है वो कर सकते हैं, उसके अलावा स्विमिंग पूल बना सकते हैं, मचान बना सकते हैं। सर ये तो बातें हुई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अब थोड़ा सा मैं लीगैलिटी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस तरीके से रजिस्ट्री यहाँ रहती है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि रजिस्ट्री में बड़ा टाइम लग जाता है फार्म हाउसेस की, तो लोगों का कंसर्न रहता है कि यहाँ पर किस तरीके से रजिस्ट्री का प्रोसेस रहता है, वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मेरे से। देखिए सबसे पहले इसमें एक प्रोसेस होती है, हमारी एक लैंड एक्विजिशन की टीम होती है जी, जो हमारे सारी लीगल चेक करती है। ओके, तो कोई भी जैसे कि हम इस लोकेशन पर खड़े हैं, यहाँ पे सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड होती है जो बेसिकली, और इस एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी लीगल टीम से कहकर इसको एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करके इसको कंपनी के नाम पर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो जितनी भी रजिस्ट्रीज आपकी होती है वो एक ऐसे डेवलपर की तरफ से रजिस्ट्रीज उतरेंगी। इसके अंदर में इमीडिएट रजिस्ट्रीज है, इमीडिएट म्यूटेशन है, इमीडिएट पोजेशन है। सो रजिस्ट्री जो होती है वो कहाँ से होती है? वो आपकी होंगी खैर तहसील से। ओके, सो तहसील से आपको रजिस्ट्री यहाँ पर करा कर दी जाएगी, और जिस दिन आप पेमेंट करेंगे, सो बेसिकली फार्म हाउसेस पर मैं जैसे पहले भी वीडियोस कवर कर चुका हूँ और मैंने बताया है, फार्म हाउसेस पर कोई भी लोन फैसिलिटी नहीं होती। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे किस लिए लोन फैसिलिटी नहीं होती? Actually, क्या होता है बेसिकली इनका जो लैंड का टाइटल होता है दैट इज द एग्रीकल्चरल टाइटल, और एग्रीकल्चरल टाइटल में सिर्फ आपको फर्टिलाइजर या माने ट्रैक्टर के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन के लिए और खरीदने के लिए नहीं मिलता। हाँ, सो बेसिकली एग्रीकल्चर नॉर्म्स के हिसाब से बैंक की जो अथॉरिटी है वो लोन प्रोवाइड करने के लिए नहीं होती, तो इसलिए यहाँ लोन प्रोवाइड नहीं होता। और बेसिकली लग्जरी के लिए लोग फार्म हाउसेज लेते हैं अपने एक अच्छा एनवायरमेंट के लिए, जिनको जो एनवायरमेंट लवर होते हैं वो बेसिकली फार्म हाउस लेते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर एक रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। कोई भी एक फार्म हाउस लैंड लेकर उस पर फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट कराकर उसको डेफिनेटली पर डे के हिसाब से 15-20 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से रेंट आउट कर सकते हैं पार्टीज के लिए। सो बहुत ज़्यादा आजकल इस चीज़ का ट्रेंड भी चल रहा है। सो मुझे लगता है कि हमने मोटी मोटी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं यहाँ पर। सर अब जो मेन पॉइंट है हमारा वो ये रहने वाला है कि किस तरीके का प्राइस यहाँ पर रहने वाला है। देखिए प्राइस की मैं बात करूँ तो हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है प्लॉट्स की वो लगभग आप मान के चलो कि 15 लाख रुपए से शुरू होता है, बेसिक प्लस एडऑन्स होते हैं थोड़े बहुत जी। और यदि मैं बात करूँ फार्म हाउसेस की तो हमारा करीब 63 लाख से शुरू होता है 1000 गज के अंदर में, प्लस कुछ एडऑन्स होते हैं क्लब चार्जेस के। सो मैं अगर बात करता हूँ कि एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसको लगभग कितने टाइम में एप्रिसिएशन यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए ईमानदारी की बात तो इसके अंदर में ये है कि जैसे कि जेवर एयरपोर्ट का घोषणा हो चुकी है कि सितंबर 2024 के अंदर में फर्स्ट फेज जो है वहाँ से फ्लाइट उड़ेगी, तो उसके हिसाब से मैं मान के चलता हूँ डबल तो बाय डिफॉल्ट है कि 2.5 साल के अंदर में डबल तो होना ही है, बाकी तो 2.5 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। सो गाइज यहाँ पर आप मान के चलिए अगर आप कोई भी एक 1000 गज का फार्म हाउस लेते हैं और जो भी रेट सर बता रहे हैं उस हिसाब से आपका डबल का आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डेवलपमेंट होनी नहीं है, ऑलरेडी सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी बसावट है, आसपास की लोकेशन में आपको डेली नीड्स की सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, कनेक्टिविटी आप डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे दिल्ली कनेक्ट कर सकते हैं, हार्डली 1 आवर की डिस्टेंस पर आपको दिल्ली आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको रेड लाइट नहीं है बीच में, कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पर वीकेंड्स पे भी आ सकते हैं, अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ एक गेट टुगेदर भी आप प्लान कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
सो गाइज मैं सभी से कहना चाहूंगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फार्म हाउस की लैंड आप यहाँ पर ले सकते हैं, रेट्स वगैरह सर से आके डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, अपने एक विजिट अरेंज कराएं। सर विजिट के लिए कोई फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या हम यहाँ पे आपको असिस्टेंस दे देते हैं, यदि आप चाहें तो उसके लिए कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर कोई क्लाइंट डेडिकेटेडली यहाँ पर, मतलब आप आ रहे हैं, पहले फोन पर सारी चीजें डिस्कस कर लीजिए, पेपर्स मंगा लीजिए, जो भी आपको लीगैलिटी है वो डिस्कस कर लीजिए, और जो भी डिसीजन मेकर है वो यहाँ पर आए और सर से बात करके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अपनी एक डील सिक्योर कर सकते हैं। एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा, यहाँ पर जब भी आप डील करने के लिए यहाँ पर आए या विजिट करने के लिए आए तो एटलीस्ट अपना जो बुकिंग अमाउंट है वो साथ लेकर आए, जिससे आपको हैसल ना लेना पड़े बार बार आने का, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है तो आपको बार बार आना ना पड़े। तो एक ही बार में आप आएँ, चीज़ें समझें, लीगैलिटी समझें और यहाँ आकर आप अपनी एक डील सिक्योर करें। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज, आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई है, मुझे नहीं लगता फार्म हाउस का ऑप्शन किसी ने भी कवर किया है यहाँ पर। सो आप आइए यहाँ पर विजिट कीजिए, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपसे डिस्कशन पे डिसाइड कर ली जाएगी, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी यहाँ पर। सो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।